नमस्कार, बिनीज रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं अपने किचन में एक नया डिश। डिश का नाम है ब्रेड आलू पनीर कटलेट। ब्रेड आलू पनीर कटलेट को हम यहाँ पर ब्रेड, पनीर और आलू सब तैयार करके रखे हैं, और आलू का मसाला जो बनाए हैं हम, वो पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आलू पनीर को ये कटलेट बनाने के लिए अब हम कैसे बनाते हैं वो भी हम आप लोग को बता रहे हैं। कटलेट बनाने के लिए इस पर हम पानी डालेंगे, हल्का ब्रेड पर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल करके इसको हम एक आटा के डो जैसा इसको तैयार करेंगे सान करके। इसको अच्छा से बढ़िया से इसको गूंथ लेंगे, ऐसे गोल गोल बनाएंगे। अब ब्रेड के छोटी छोटी लोई ले लेंगे ऐसे करके। अब इसमें आलू ले लेंगे, आलू के अंदर ये पनीर डालेंगे। देखिए इसको इसके अंदर डाल करके कोट करेंगे, फिर इस लोई को इसमें चपटा करेंगे, फिर इसको अंदर में हम भर लेंगे। पहले इसको बड़ा कर लेंगे, इसे भर करके इसको दबा दबा अंदर लिट्टी के जैसे भर देंगे। देखिए अब इसको हम बढ़िया कटलेट के रूप दे देंगे। अब एक और बना के दिखा देते हैं, इसे बीच में रखेंगे और इसमें पनीर डाल देंगे। डबल कोट हुआ, अब इसको हम लिट्टी के जैसे भर देंगे, पैक कर देंगे इसको हम आराम से। देखिए तब तक हम चूल्हा को जला लेंगे, तेल गरम हो जाएगा। देखिए अब इसी प्रकार से सभी कटलेट को हम तैयार कर लेंगे। कटलेट ये तैयार हो गया है दोस्तों, धीरे धीरे जो तैयार हो गया हम निकाल दे रहे हैं इसको। देखिए कितना सुंदर कटलेट तैयार हुआ है। मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे। देखिए कितना सुंदर ब्राउन कलर के हो गया है, इसको हम निकाल देंगे। चूल्हा को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना सुंदर कटलेट तैयार हुआ है मेरा।
अगर मेरा कटलेट आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।